नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बिग अनबॉक्सिंग के अंदर। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। मैं योगेश चौधरी आज आपके लिए ले आया हूँ बॉश कंपनी की 10 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। सो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट के प्राइस रेंज की, प्रोडक्ट की क्वालिटी की और प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करेंगे। तो चलिए अब हम इस प्रोडक्ट को करीब से देखते हैं। सो ये आप प्रोडक्ट का फ्रंट लुक देख रहे हैं। जो प्रोडक्ट का कलर है वो है वाइट कलर, एंड जो ये वॉशिंग मशीन बनी हुई है ये पूरी की पूरी मेटल से बनी हुई है। सो वॉशिंग मशीन का डिज़ाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बॉश कंपनी ने प्रोवाइड किया है। वॉशिंग मशीन में ऊपर लेफ्ट साइड में आपको डिटर्जेंट बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे प्राइस रेंज भी लिखी हुई है, एंड सेंटर में आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा जहाँ से आप सारे प्रोग्राम्स कंट्रोल कर सकते हैं, एंड बिल्कुल राइट साइड में आपको जो बड़ी सी है वो टच डिस्प्ले मिल जाएगी। यहाँ से आप सारी चीज़ें वॉशिंग मशीन की कंट्रोल कर सकते हैं, जो प्रोग्राम है उनको स्टार्ट एंड प्ले भी कर सकते हैं। एंड यहाँ आपको टफन ग्लास लगा हुआ वॉशर का डोर मिल जाएगा, एंड नीचे की साइड राइट साइड में आपको जो है ड्रेन पंप मेंटेनेंस का जो कवर है वो मिल जाएगा। सो इस मेंटेनेंस को आप इमरजेंसी के टाइम यूज कर सकते हैं। सो अब हम करीब से देखते हैं डिटर्जेंट बॉक्स को। इसके सामने आपको हैंडल मिल जाएगा इसको ओपन करने के लिए, एंड राइट एंड लेफ्ट साइड में आप लिक्विड डिटर्जेंट या फिर आप पाउडर डिटर्जेंट डाल सकते हैं। सेंटर में आप कोई एड ऑन करना चाहें सॉफ्टनर जैसी चीजें तो आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। एंड सेंटर में हम बात करते हैं प्रोग्राम सिलेक्टर की, तो इसके अंदर हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सो लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्रोग्राम आपको वॉश एंड ड्राई इन 60 मिनट का ऑप्शन मिल जाएगा, 60 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर वॉश एंड ड्राई जो सारी प्रोसेस है वो हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन लिंगरीज का है, थर्ड ऑप्शन आउटडोर में यूज हुए कपड़ों का है, फोर्थ एलर्जी प्लस का है। एलर्जी प्लस के अंदर जो वॉशिंग मशीन का पानी का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा हाई रहता है। फिफ्थ ऑप्शन है बेडशीट एंड कर्टेन का, एंड सिक्स्थ ऑप्शन है ड्यूएट एंड डाउन का। जो ड्यूएट का मतलब होता है जो थोड़े थिकनेस वाले जो कपड़े होते हैं, लाइक आपके कोट या हुडीज हो, एंड जो आपको लास्ट ऑप्शन वो मिल जाएगा ड्रम क्लीन का। एंड अब देखते हैं राइट साइड में ऊपर की साइड आपको कॉटन का ऑप्शन मिल जाता है कॉटन के कपड़ों के लिए, एंड उसके बाद आप देख रहे हैं मिक्स लॉट का ऑप्शन, सिंथेटिक कपड़ों के लिए ऑप्शन है, डेलिकेट एंड सिल्क कपड़ों के लिए अलग से ऑप्शन है, वुलन कपड़ों के लिए ऑप्शन है, रिंस अगर आपको कपड़े साफ पानी में वॉश करने हो, एंड लास्ट में स्पिन का ऑप्शन है अगर आपको जो सारे कपड़े हैं वो आपके वॉश हो गए हैं उनमें से पानी निकालना हो, ड्रम में से पानी निकालना हो, उन कपड़ों में से पानी निकालना हो, तो आप स्पिन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सो यहाँ राइट साइड में आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड सीरीज 6 की ब्रांडिंग की हुई है, नीचे लेफ्ट साइड में ऑटो ड्राई लिखा हुआ है, एंड राइट साइड में वॉश एंड ड्राई 10 and 6 kg लिखा हुआ है। सो इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, जो इस वॉशिंग मशीन का वॉशर है वो है 10 kg का, एंड जो ड्रायर है वो है 6 kg का। तो नॉर्मल जो जितने भी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो कपड़े वॉश भी करती है एंड ड्राई भी करती है। अकेला अगर आप ड्राई करना चाहें तो ड्राई भी कर सकते हैं, अकेला वॉश करना चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं, बट ये जो वॉशिंग मशीन है इसके अंदर आपको अलग से 6 kg का ड्रायर मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि ये वॉशिंग मशीन है जो बॉश की 10 kg की वॉशर के साथ, तो ये वॉशिंग मशीन आपका जो 6 kg का ड्रायर है वो आपके कपड़ों को 100% ड्राई कर देगा डायरेक्ट। फिर आप कपड़ों को बाहर निकालिए एंड डायरेक्ट आप उनको सुखाने की जरूरत नहीं है, उन कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, तो ये जो वॉशिंग मशीन है आपके कपड़ों को 100% ड्राई कर देती है। एंड अब बात करते हैं स्क्रीन पे लगे बटन्स की, तो पहला ऑप्शन आपको वॉश प्लस ड्राई का मिल जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आप टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन आप जो स्पिन की स्पीड है कितने RPM पे आपको जो वॉशिंग मशीन रन करनी है वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन आपको एंटी स्टेन का मिल जाएगा, किसी कपड़े के दाग लगे हो तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा वॉश देना हो तो आप यहां से एंटी स्टेन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, फिफ्थ ऑप्शन आपको जो एक्स्ट्रा रिंस का है वो मिल जाएगा, अगर आपको कपड़ों को थोड़ी देर और साफ पानी में वॉश करना है तो यहां से आप उसको यूज कर सकते हैं, सिक्स्थ ऑप्शन आपको हाइजीन केयर का मिल जाएगा अगर इसमें कपड़े थोड़े हैं वो ज्यादा टेम्परेचर में वॉश होते हैं, सेवन्थ ऑप्शन आपको रेडी इन का मिल जाएगा, अगर आपको कहीं जाना हो आप टाइमर लगा के यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि इतने टाइम के बाद वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, एंड एट्थ ऑप्शन आपको स्पीड परफेक्ट का मिलता है, इसके अंदर आप जो वॉशिंग मशीन है हाफ लोड से आप इसको फुल लोड पर वॉशिंग मशीन को ला सकते हैं। सो इस प्रोग्राम के अंदर जो वॉशिंग मशीन की वॉशिंग कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। एंड ऊपर की साइड आप देख रहे हैं आपको स्टार्ट एंड पॉज का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टार्ट एंड प्ले का ऑप्शन नहीं है, स्टार्ट एंड पॉज का ऑप्शन है, आप जो भी प्रोग्राम है उसको बीच में आप रोक सकते हैं, एंड अगर आपको कपड़ों को एक्सचेंज करना हो या चेंज करना हो, अगर कोई कपड़ा है जो अपने कलर को कुछ ज्यादा ही रिलीज कर रहा है तो उस कपड़े को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन फंक्शन आपको बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाएगा। एंड ये सेंटर में वॉशिंग मशीन के वॉशर के डोर पे आपको टफन ग्लास मिल जाएगा,
ट्रांसपेरेंट ये ग्लास है, आप इजीली अंदर देख सकते हैं जो कपड़े हैं आपके अच्छे से वॉश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या कोई कपड़ा ऐसा तो नहीं है जो कलर लूज कर रहा हो। सो यहाँ ऊपर की साइड आपको डोर का हैंडल मिल जाएगा, सो यहाँ से आप इजीली इस डोर को ओपन कर सकते हैं। एंड वॉशिंग मशीन के जो वॉशर है उसको अंदर से हम देखेंगे तो जो काफी बड़ा और काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जो वॉशर है वो अंदर से पूरा का पूरा जो है वो मेटल से बिल्ड इन है और बहुत सारे जो होल्स है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। उससे क्या होता है जो डिटर्जेंट वाला जो पानी है वो अच्छे से कपड़ों तक पहुंच पाता है एंड वो कपड़े हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं। एंड इसके अंदर जो स्पेस है वो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। एंड जो सारा जो वॉशर है वो पूरा मेटल से बना हुआ है, उससे क्या होगा जो वॉशर की है वो लाइफ भी काफी जो लॉन्ग रहती है। एंड ये स्टील से बना हुआ है, इससे क्या होता है कि जो वॉशर के अंदर जंग लगने के चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर चांसेस होते हैं। तो ये जो वॉशर है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा वॉशर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड या नीचे राइट साइड में यहाँ पे इमरजेंसी मेंटेनेंस है, इसके कवर को आप ओपन कीजिए सो आपको अंदर से कुछ चीजें इस तरह की दिखेगी। जो बीच में जो येलो कैप लगा हुआ है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज आप अगर इसको ओपन करेंगे सो इसके अंदर क्या होता है यार, आप बाय चांस आपके क्लोथ्स के अंदर जो है कोई की या कॉइन वगैरह रह गया है तो वो इसके अंदर यहाँ पे आ जाता है एंड यहाँ से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। आगे से ध्यान रखिए कि आपकी जो है कपड़े के जो आपकी पॉकेट्स है उसके अंदर कोई की या फिर कोई कॉइन ना चला जाए। एंड जो ब्लैक वाली पाइप है वहां से आप जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो वॉशर का जो पानी है वो सारा आप यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं। एंड बिल्कुल राइट साइड में आपको एक हुक मिल जाएगा, इसको अगर आप पुल करेंगे तो जो इमरजेंसी के टाइम है जो वॉशिंग मशीन का जो डोर है वो ओपन यहाँ से हो जाएगा। सो यहाँ आपको इमरजेंसी मेंटेनेंस का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको मिल जाता है। सो ये एक एड ऑन फीचर आपको इस वॉशिंग मशीन के 10 किलो के मॉडल के अंदर मिल जाएगा। जो वॉशर के जस्ट डोर के ऊपर आपको एक लाइट भी मिल जाएगी। दोस्तों आप वॉशिंग मशीन को नीचे से भी देख रहे हैं, जो वॉशिंग मशीन है नीचे से भी मेटल से बनी हुई है, दैट मीन्स जो वॉशिंग मशीन की जो मजबूती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और जो वॉशिंग मशीन है वो चूहों से भी बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है, उनसे भी इसको नुकसान नहीं होने वाला। और ये वॉशिंग मशीन की बैक साइड है, यहाँ आप देख रहे हैं वाटर इंसर्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप पाइप फिट कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली है जो पानी है वो ले लेगी। एंड नीचे की साइड जो पाइप है ये काफी लंबी है और ये वाटर एग्जिट करने की पाइप है, सो आप जब भी ड्रेन का ऑप्शन करेंगे तो इस जो पाइप के अंदर से है वो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। एंड जो पीछे से भी है वॉशिंग मशीन सारी है वो मेटल से बनी हुई है, सो मेटल के बने होने की वजह से जो वॉशिंग मशीन की जो मजबूती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सो जो वॉशिंग मशीन की साइड्स है उसके ऊपर ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, डिजाइन के साथ साथ इसके और भी बहुत फंक्शंस होते हैं। ये जो शेप है ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है, उससे क्या होता है जो वॉशिंग मशीन है वो कपड़े वॉश कर रही है, उससे जो वॉशिंग मशीन की जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है एंड जो वॉशिंग मशीन का नॉइज है जो बाहर जाता है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो जो बोस्ट ने है टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सो गाइस अब हम बात करते हैं इस 10 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के प्राइस रेंज को लेकर, तो जो इसकी प्राइस रेंज रहेगी वो रहेगी 72,000 रुपए से लेकर 73,000 रुपए तक, 72,000 रुपए से लेकर 73,000 रुपए के बीच में। जैसे मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूं अगर आपको ये प्रोडक्ट इससे महंगा मिले तो आपको नहीं लेना है, अगर यही प्रोडक्ट आपको इससे सस्ते मिले तो आप इसका एज ए ऑफर भी ले सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट रिलेटेड आपको कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल पर जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर आपको ऑल ओवर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिलेटेड कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं या फिर ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे वहां DM कर सकते हैं, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो होप गाइस आपको ये जो वीडियो है जो प्रोडक्ट का ओवरव्यू है जो वॉक अराउंड है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बिग अनबॉक्स पर यूं ही बने रहने के लिए और सपोर्ट दिखाए रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।